पटना विधानसभा के बाहर हंगामा किया गया है। बीजेपी विधायक ने लड्डू की प्लेट फेंकी। विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे थे ये विधायक, बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने लड्डू की प्लेट फेंक दी। तो पटना विधानसभा के अंदर का हंगामा चल रहा था, माइक तोड़ दिया था बीजेपी के विधायक ने, और अब बाहर हंगामा चल रहा है जहां पर धरने पर बीजेपी के विधायक बैठे थे, और जैसे ही उनके पास लड्डू की प्लेट लाई गई, उन्होंने लड्डू की प्लेट को फेंक दिया, सारे लड्डू बिखर गए। और इसके अलावा बहसबाजी वहां पर दिखाई दे रही है। दरअसल कल पटना विधानसभा में जिस तरीके से हंगामा हुआ, एक विधायक ने माइक तोड़ दिया, उसके बाद उनको निलंबित कर दिया गया, और उसके बाद से ही ये पूरा हंगामा पटना विधानसभा में चल रहा है। तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर कल एक बीजेपी के विधायक ने सवाल उठाए थे, और उसी को लेकर उस दौरान उन्होंने माइक तोड़ दिया, और उसके बाद हंगामा विधानसभा के बाहर तक पहुंच गया। विधानसभा के बाहर बीजेपी के विधायक धरने पर बैठे हैं, और जब हरिभूषण ठाकुर के पास लड्डू की प्लेट लाई गई तो उन्होंने लड्डू की प्लेट को फेंक दिया, और इसके अलावा एक शख्स के साथ उनकी बहसबाजी भी दिखाई दे रही है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हाथों में तख्ती लिए हुए कि लोकतंत्र की हत्या बंद करो, इस तरीके के नारे के साथ यहां पर बीजेपी के विधायक धरने पर बैठे हैं, और जैसे ही उनके पास लड्डू की प्लेट लाई गई, उन्होंने लड्डू की प्लेट को दूर फेंका, और उस दौरान पूरे लड्डू जमीन पर बिखर गए, और इसके अलावा वो किसी से बहसबाजी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार बिहार विधानसभा में हंगामा चल रहा है। कल हंगामे की तस्वीरें हमने विधानसभा के अंदर देखी थी, जहां पर तेजस्वी यादव ने भी माइक तोड़ने वाली घटना पर सवाल उठा दिए थे। तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर ये पूरा बवाल कल विधानसभा के अंदर चल रहा था, लेकिन अब वो पूरा बवाल विधानसभा के बाहर शिफ्ट हो गया है, जहां पर बीजेपी के विधायक आज धरने पर बैठे हुए हैं, और धरने के दौरान ही लड्डू की प्लेट को फेंक दिया। बिहार विधानसभा में बीजेपी की तरफ से एक समानांतर सदन चलाया जा रहा है। विधानसभा के प्रवेश द्वार पर बीजेपी के तमाम विधायक यहां बैठ गए हैं, और एक समानांतर सदन यहां चलाया जा रहा है। आप देखिए, जो प्रवेश द्वार है उसको पूरी तरह से यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है, और बीजेपी के विधायक हाथों में पोस्टर लेकर यहाँ पर सदन चला रहे हैं। यहाँ एक स्पीकर भी चुना गया है। कुर्सी पर जो महिला विधायक आपको दिखाई दे रही हैं, वो भगवतिया देवी स्पीकर बनाई गई हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी यहाँ पर हैं, जो अपने विधायकों को संबोधित कर रहे हैं, और तमाम विधायक हाथों में पोस्टर लेकर लगातार यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। अब ये ऐलान किया जा रहा है कि फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। राजभवन भी यहां से सारे लोग जाएंगे विधायक, और वहां राज्यपाल के सामने अपनी बात को रखेंगे। फिलहाल जो समानांतर सदन चल रहा है वो बड़ा दिलचस्प है। ये देखिए, ये लड्डू को फेंक दिया गया। इस रास्ते से जा रहे थे कैंटीन के कुछ कर्मचारी, और इसको लेकर हंगामा हो गया। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बौचौल ने विरोध जताया, और इस दौरान एक अजीब स्थिति हो गई है, हंगामे की स्थिति हो गई है। चूंकि इसी रास्ते पर बीजेपी के विधायक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, समानांतर सदन चला रहे हैं, और इसी रास्ते से जब कैंटीन के कुछ कर्मचारी लड्डू वगैरह लेकर जा रहे थे तो इसको लेकर हंगामा हो गया। अब बीजेपी के विधायक ये कह रहे हैं कि यहां से वो राजभवन जाएंगे और वहां अपना प्रदर्शन करेंगे, राज्यपाल से मिलकर अपनी बात को रखेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।